खांसी की सजा जिस दिन दिया जाएगा उस दिन तो हम लोग का बहुत खुशी होगा, लेकिन अभी तक सुनाई दे रहा है वो भी हम लोग खुशी हैं, लेकिन अभी 7 साल तक अभी नहीं हुआ है। दरिंद्रे अभी हमारे सामने जी रहे हैं, हम लोग को यही देख कर दुखी है कि हमारी बहन चली गई और दरिंद्रे अभी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। अरे जेल में है तो क्या ऐसी की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, उनको तुरंत उसी वक्त फांसी दे देनी चाहिए या तो पकड़ कर तुरंत पब्लिक के हवाले कर कर उनको मौत दे देनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था हो रही है तो ये फांसी की सजा हो रही है, फांसी दिया जाएगी, हम इससे तो बहुत खुशी हैं, बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारी बहन को इंसाफ मिल रहा है। अपराधी के लिए इतना समय मिलना ही नहीं चाहिए, कम से कम समय में महीना दो महीना तीन महीने के अंदर फांसी की सजा मिल जाती तो घटनाएं कम होती। इस पे आप कितना आप खुशी जाहिर कर रहे हैं? बार बार फैसला आना और जाना ये ठीक नहीं है। फैसला हो गया है, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से खारिज हो चुका है क्षमा याचना, तो उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। ये क्या कि आज यहाँ तारीख है कल वहाँ तारीख है, इसी में तो अपराधियों का दिमाग और ऊंचा उठता जा रहा है। तत्काल फांसी की सजा दे देनी चाहिए और फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। क्या अभी तक जो फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया, क्या इसकी वजह से तमाम ये घटनाएं घट रही है? क्या वो रोज की रोज घटनाएं घट रही है, कोई गिनती है नहीं? अगर निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा मिल जाती तो क्या ये घटना पर अंकुश लगता? निश्चित रूप से अंकुश लगता।